हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। तो आज से आपका जो क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का जो पोएट्री है, ठीक है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और मैं आपको जितनी भी सारी पोएट्री में चैप्टर हैं, हालांकि कुछ चैप्टर्स जो हैं, कुछ लेसन जो हैं वो हट गए हैं, ठीक है, आपको कम ही पढ़ने हैं इसमें लेसन, ठीक है। तो जितने भी आपको लेसन पढ़ने हैं, ठीक है, उन सभी को मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, उन सभी की हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। सभी चैप्टर को अच्छे से मैं आपको पढ़ा दूंगी, ताकि एग्जाम में अगर कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आए तो आप उसे कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि पोएट्री हो चाहे प्रोज हो, दोनों में ही आपको एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप इंग्लिश में जितने भी सारे लेसन हैं, सभी लेसन की हिंदी आपको पता हो, ठीक है, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोएट्री का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। प्रोज का जो चैप्टर है वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी जल्दी ही, और जितने भी सारे प्रोज में लेसन है सभी को मैं आपको लाइन वाइज सभी की हिंदी अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ सभी की स्टोरी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस उसका लिख सके, ठीक है। तो आज करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो कि क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का जो पोएट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर है, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो जब एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको उसका सेंट्रल आइडिया बता दूंगी, क्योंकि पोएट्री में तो सेंट्रल आइडिया पूछता है ना एग्जाम में। तो जब मान लीजिए कि करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया बता दूंगी, ठीक है, और वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी में व्याख्या करके, जो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पोएट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसके जो पोइट है वो है सर हेनरी वॉटन, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको चैप्टर का नाम याद रखना है और उसके जो पोइट हैं, ठीक है, उनका नेम याद रखना है, ओके। तो करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के पोइट है सर हेनरी वॉटन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, हुज एमोर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और थॉट, यानी कि ठीक है, हैप्पी मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, ठीक है। बॉर्न यानी होता है जन्म, तो जन्म और शिक्षा से, थॉट यानी होता है शिक्षा, ठीक है। तो जन्म, बॉर्न यानी होता है जन्म और थॉट यानी शिक्षा, तो जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, तो जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, दैट सर्वेट नॉट अनोदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, ठीक है। अनोदर्स यानी होता है दूसरे, और विल यानी होता है इच्छा, ठीक है, और सर्वेट यानी मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। तो जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता या फिर कार्य नहीं करता है, ठीक है। उस एरमोर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, ईमानदारी का विचार, ठीक है, ऑनेस्ट थॉट यानी ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच है, ठीक है। एरमोर यानी होता है कवच, एंड सिंपल ट्रूथ और सरल सत्य उसकी सर्वोत्तम योग्यता है, अटमोस्ट स्किल यानी सर्वोत्तम योग्यता, ठीक है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, बेहतरीन तरीके से मैं अपनी तरफ से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पूरी कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टीम क्लासेस चैनल को, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इससे आप जुड़े रहेंगे टीम क्लासेस चैनल से, ठीक है। तो एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, जो कि दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, ठीक है, और ईमानदारी का विचार जो है उसका एकमात्र कवच है, एंड सिंपल ट्रूथ और सरल सत्य जो है उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। अब चलिए सेकंड देखते हैं कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर और प्रिंसली लव और ब्रीथ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हुज पैशंस, पैशंस यानी क्या होता है, पैशंस यानी इच्छाएं, ठीक है, जो उसकी इच्छाएं हैं, पैशन उसका पैशन है, ठीक है। तो whose passions not his masters are, सच्चा जो प्रसन्न व्यक्ति है, वह सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाएं, जैसे कि मन की तीव्र इच्छाएं क्या होती है, क्रोध, भय, हर्ष आदि आदि के नियंत्रण में नहीं रहता। कहने का मतलब है कि whose passions not his masters are, जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है मन की तीव्र इच्छाएं, हर्ष, भय, क्रोध आदि के नियंत्रण में नहीं रहता है, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। देखिए, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में एक सच्चे जो एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है उसकी बात की गई है, ठीक है, एक सच्चा प्रसन्न जो व्यक्ति होता है उसकी बात की गई है। बात समझ में आ गई। सेकंड लाइन की हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ,
मतलब कि वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है, ठीक है। स्टील प्रिपेयर फॉर डेथ, यानी डेथ यानी होता है मृत्यु, तो हमेशा प्रिपेयर रहता है, हमेशा तैयार रहता है मृत्यु के लिए। कौन? सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, उसे जो संसार के जो जितने भी सारे जिसे संसारिक चिंताएं हैं उससे वह परेशान नहीं रहता है, ठीक है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, यानी संसार की जो परेशानियाँ हैं उससे वह परेशान नहीं रहता है सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। और प्रिंसली लव और ब्रीथ, वह ना तो राजा की कृपा की इच्छा करता है, ठीक है, और ना ही जो साधारण लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है, ठीक है, समझ में आ गई। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जो है, देखिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, सच्चा प्रसन्न जो व्यक्ति है वो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाएं जैसे कि हर्ष, भय, क्रोध, इन सभी से जो है वो इन सभी के नियंत्रण में नहीं रहता है, ठीक है, और वो मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है, और सांसारिक जो चिंताएं हैं उससे वह परेशान नहीं होता है, ठीक है, और ना ही वह राजा की कृपा की इच्छा करता है, और ना ही जो सामान्य लोग होते हैं या जो लोग होते हैं उनकी आलोचना की चिंता करता है कि हाँ वो मेरी बुराई कर रहा है, वो मुझे ऐसा कह रहा है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ों में कोई उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा, देखिए यहाँ तक है, ठीक है, अगला यहाँ तक है, देखिए तीसरा नंबर यहाँ तक है, ठीक है। देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, हुज स्टेट कैन नेदर फ्लेटर्स फीड नॉर रैन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। यानी कि देखिए मैं आपको समझाती हूँ, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, र्यूमर्स यानी क्या होता है? अफवाहें, जो अफवाहें होती हैं उन्हें र्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, मतलब कि उसका जो जीवन होता है, हीज लाइफ यानी उसका जो जीवन होता है वो अफवाहों से मुक्त रहता है, ठीक है, र्यूमर्स फ्रीड यानी अफवाहों से मुक्त रहता है। जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है उसका जो जीवन होता है, लाइफ जो होता है वो अफवाहों से मुक्त होता है, ठीक है, र्यूमर्स फ्रीड यानी अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कॉन्साइंस इज हीज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतर्यात्मा, ठीक है, कॉन्साइंस का मतलब अंतर्यात्मा, और रिट्रेट का मतलब होता है शरण स्थल। तो हुज कॉन्साइंस इज हीज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, ठीक है, उसकी अंतरात्मा, ठीक है, उसकी अंतरात्मा ही उसका जो है दृढ़, ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मजबूत क्या है, शरण स्थल है, ठीक है, शरण स्थल है उसकी जो अंतरात्मा है, उसकी जो अंतरात्मा है उसका दृढ़ शरण स्थल है, ठीक है, मजबूत शरण स्थल है। मतलब कि कहने का मतलब है कि वह जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है वो अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक है, कहने का मतलब यही है कि वह जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति अपनी आत्मा की जो आवाज़ है उसी के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। अगर है कि हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, फ्लैटर्स यानी मतलब चापलूसी करना, ठीक है, तो वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी चापलूसी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉर रैन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, उसका विनाश, इसका मतलब होता है विनाश, ठीक है, तो उसका विनाश, दमन जो करने वाले जो लोग होते हैं, दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता, ठीक है, उसका विनाश दमन करने वाले को महान नहीं बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, अपनी बुक्स उठाकर अच्छे से इसे पढ़िएगा, जो जो मैंने जैसे पढ़ाया है उसे अच्छे से याद करिएगा, ठीक है, उसे अच्छे से पढ़कर देखिएगा, ठीक है, अपनी बुक से। और ये जो तीन अगले जो पार्ट टू आएगा उसमें देख लेंगे, तो इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ये तीन पार्ट सबसे कंप्लीट करवा दूंगी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। देखिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना इसे, तो अगर एग्जाम में पूछेगा कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन तो आप नहीं कर पाएंगे, सीरियसली नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जब तक आप इसकी हिंदी नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में ये पैसेज उठा कर दे दिया, ठीक है, एग्जाम में ये पैसेज आपसे पूछ दिया, अब दे दिया कि इसका एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस करिए लिखिए, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? आपको इसकी हिंदी पता होगी, इसका अर्थ पता होगा इसका, तभी तो आप लिख पाएंगे ना। जब आपको इसका अर्थ ही नहीं पता होगा कि ये क्या कह रहा है इसमें, इस पैसेज में क्या बता रहा है लेखक, क्या कहना चाहता है पॉइंट, इस पैसेज में पॉइंट क्या कहना चाहता है, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो बिना जाने आप नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़िए, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट भी पढ़ पाए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।